जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सभी राजस्थान पुलिस का फिजिकल देकर आ रहे अभ्यर्थी, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, बहुत ही उनके सामने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि जैसे ही आप फिजिकल देकर आ रहे हैं उसके एक या दो दिन बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आ जा रहा है, आपका फाइनल सिलेक्शन आ जा रहा है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने भी फिजिकल देकर आए हैं उनके अंदर बियानी कॉलेज के अंदर देने वाले 5वीं बटालियन RAC उनका रिजल्ट है जो जारी हो चुका है। फाइनल प्रोविजनल उनकी लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। उसके बाद में CRPF GC2 उसके अंदर फिजिकल करने वाले जितने भी जो भाई बहन हैं उनका GRP अजमेर उसका भी फाइनल रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। ऐसे ही जैसे जैसे फिजिकल करके आ रहे हैं आपका फाइनल रिजल्ट जारी होते हुए जा रहा है। तो आप लोगों के सामने बहुत ही कम समय मिला इसके अंदर रिजल्ट आने से लेके फिजिकल और फाइनल प्रोविजनल लिस्ट, और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग के अंदर भी बहुत कम समय मिलेगा क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर सारे खाली हैं। तो आप लोगों को जल्दी से ट्रेनिंग करवा कर बाकी जो नई आने वाली भर्ती है उसके लिए ये जगह खाली की जा रही है। तो दोस्तों, क्या हम इसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी राजस्थान पुलिस की नई भर्ती है उसकी घोषणा जल्दी होने वाली है और जल्द ही वैकेंसी आने वाली है? बिल्कुल दोस्तों, जितने भी जो हमारे सिग्नल्स जो मिल रहे हैं, जितने भी जो हमें डायरेक्शन जो मिल रही है वो बिल्कुल यही मिल रही है कि जो घोषणा हो रखी है 5000 पदों के लगभग, वो वैकेंसी जल्दी आप लोगों के समक्ष आने वाली है। क्योंकि देखिए, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इनका फिजिकल होते ही आपकी फाइनल मेरिट आ रही है, उसके बाद में आपको तुरंत ज्वाइन करवाएगा। ज्वाइन करवाने के बाद में अभी भर्ती का कोई भी आपके सामने है नहीं, उसके बाद में राजस्थान पुलिस को CET के अंदर किया हुआ है जिसका फरवरी के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है, जनवरी फरवरी के अंदर। तो जनवरी फरवरी के अंदर एग्जाम आने, रिजल्ट आने के बाद में, तो या तो जनवरी के लगभग आपका राजस्थान पुलिस का भी इसकी नोटिफिकेशन आ जाए, या रिजल्ट एग्जाम होने के बाद में आपका नोटिफिकेशन आए तो भी नोटिफिकेशन आने के 2-3 महीने बाद ही आपका जो पेपर है वो करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने अगर मान लो मार्च तक भी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आती है तो मार्च के बाद में अप्रैल मई जून तक आपको टाइम मिलेगा, यानी कि जून जुलाई के अंदर आपका राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है इसका पेपर होने की संभावना है। बाकी देखो, मैं कन्फर्म नहीं बोल रहा, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो यही है कि आपका मई जून के लगभग, जून जुलाई के लगभग आपका एग्जाम हो सकता है, आपकी वैकेंसी है वो फरवरी मार्च के लगभग आपकी वैकेंसी आ सकती है। तो जितने भी जो हमें एक जो डायरेक्शन मिल रही है वो यही मिल रही है कि राजस्थान पुलिस की आने वाली जो भर्ती है वो बहुत जल्द आएगी। उसके लिए आप अभी से ही तैयारी करें। CET की आप तैयारी करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा जो राजस्थान पुलिस का पोर्शन है वो भी आपका कवर हो जाएगा और बाकी जो भर्ती हैं उसका भी कवर हो जाएगा। तो आपको एक ही तैयारी के अंदर बहुत सारी वैकेंसी है जिनकी आपके सामने तैयारी हो रही है, तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करें। आपके सामने है राजस्थान पुलिस की नई भर्ती आने के बहुत ही संभावना नज़दीकी है, जल्दी आने की संभावना है। तो आप अभी से ही तैयारी के अंदर लगेंगे तब जाके आप उसको उत्तीर्ण कर पाएंगे, आप पास कर पाएंगे, अपना सपना साकार कर पाएंगे। क्योंकि जो इस भर्ती के अंदर रहे अभ्यर्थी उनके लिए सुनहरा मौका है कि घोषणा पहले से हो रखी है और बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है। तो आप निश्चिंत होकर अभी से तैयारी के अंदर लगे, अपनी फिजिकल अकेडमी BL फिजिकल अकेडमी ज्वाइन करें, वहाँ पर सभी प्रकार की क्लासें और सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर तैयारी बिल्कुल करवाई जाएगी। अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं समय समय पर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन जो भी है वहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आप अपडेट रहें और आप अपनी तैयारी के अंदर लगे रहें। तो दोस्तों, यही मेरा मोटो था, जो भी फिजिकल पास होकर आ रहे हैं वो ध्यान रखें, राजस्थान पुलिस की साइट है उसको आप समय समय पर विजिट करते रहें। वहाँ पर जैसे ही फिजिकल हो रहा है एक दो दिन बाद में आपका फाइनल रिजल्ट वहाँ पर डाल दिया जा रहा है, तो आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए जो भी फिजिकल देकर आए। और आप अपने जो भी पास हुए अपने परिवार से जुड़े हुए भाई बहन वो कमेंट करके टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके मुझे बताएं कि सर हम पास हो गए, हम अपने परिवार से जुड़े हुए, मैं उनका वीडियो बनाकर धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।